हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और बताओ कैसे है सारे के सारे। एग्जाम एग्जाम तो खत्म हो गए अब तो यार। कुछ हुआ हो नहीं हुआ हो, तुम लोगों ने बचपन से एक बात तो जरूर सुनी होगी कि गाय का दूध पीने से हमें बहुत शक्ति मिलती है, ये होता है वो होता है। भाई पता नहीं ये सब हुआ है नहीं हुआ है। अगर माइनक्राफ्ट में हम काओ का मिल्क पीते हैं तो हमारा जो भी अफेक्ट लगा हुआ होता है वो जरूर खत्म हो जाता है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर हम कोई भी मॉब का मिल्क पी सकते तो क्या हमें उसकी एबिलिटी मिल जाती। और ऐसे करते करते अगर हमें एंडर ड्रैगन का मिल्क मिल जाए और उसे हम पिए तो हमें कैसा अफेक्ट मिलेगा, भाई बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए। तो आज हम वही मॉड को ट्राई करने वाले हैं। तो आज हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट बट वी कैन मिल्क एनी मॉब, तो बड़ा मजा आएगा इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गए हैं हम अपने माइनक्राफ्ट के नए वर्ल्ड में। ओके, हम एक जंगल में स्पॉन हुए हैं। पता नहीं ऐसी अजीब सी जगह पर स्पॉन क्यों होते हैं। ओके, हमें पहले ही पिगीज मिल गया है और इन पिग्स का भी हम मिल्क निकाल सकते हैं। लेकिन मिल्क निकालने के लिए भी तुम्हें पता है सबसे पहले हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए एक बकेट। तो पहले हमें बकेट बनाना पड़ेगा। तो माइनक्राफ्ट में आते ही सबसे पहले हमें बकेट बनाना है। तो हमें शुरू से शुरू करना होगा क्योंकि नया वर्ल्ड है। सबसे पहला काम ही हमें लकड़हारा बनने का है। इस लकड़हारे ने लॉग से प्लैंक्स बना लिया है, प्लैंक से इसने स्टिक्स बना लिए हैं और अब इसने क्राफ्टिंग टेबल भी बना लिया है। क्राफ्टिंग टेबल के अंदर में इसने एक्स बना लिया है, इसने अब पिकेक्स भी बना लिया है। गाइज ये देखिए, आपका दूध निकालने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है सर? कोई नहीं, अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बकेट बनाने के लिए हमें आयरन चाहिए। आयरन के लिए हमें खुदाई उदाई करनी पड़ेगी और स्टोन का पिकेक्स बनाना पड़ेगा। तो सिंपल काम है, फटाफट से हो ही जाएगा। भाई मेरी किस्मत इतनी अजीब सी क्यों है, मुझे इतना अजीब अजीब जगह स्पॉन क्यों कर दिया जाता है। यार लिटरली हम एनी मॉब का मिल्क निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब हम उन ऑक्टोपस का भी निकाल सकते हैं जिसे हम स्क्विब बोलते हैं। कितना मजा आएगा ना उसका मिल्क देखने में, कि उसका मिल्क हमें क्या एबिलिटी देता है। यार मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। फटाफट से मुझे मिल जाए तीन स्टोन के, और ये तीन स्टोन मिल गया है। अब हम फटाफट से पिकेक्स बना लेते हैं। ओ, पहला आयरन मिल गया हमें। ओ क्रीपर फटा, क्रीपर फटा, क्रीपर फटा, मेरा आयरन को तो कुछ नहीं हुआ ना। ओ माय गॉड, दो हो गया। अभी हम यहाँ से निकाल लेते हैं अपना आयरन। के हमें बहुत सारा आयरन मिल गया एक्चुअली। अब तो अपना काम हो ही गया, बकेट तो आराम से बन जाएगा। अब हम फर्नेस बना लेते हैं। फर्नेस के अंदर में हमें डालना आयरन और थोड़े से प्लैंक्स। जो लास्ट मैंने क्विज वाली वीडियो डाली थी अपने दूसरे चैनल पे, उसमें हम लोगों ने ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ऊपर आई बटन पे मेरे दूसरे चैनल पे। ओके, मुझे आयरन मिलना शुरू हो गया है। यो ओके, हमारे पास दो बकेट हो गए हैं। ओहो, पहले हमें ज़ॉम्बी मिल गया क्योंकि रात हो गया। तो चलो काम करते हैं, हम ज़ॉम्बी का ही मिल्क निकाल लेते हैं। ऐसा मौका मिलेगा कहाँ। क्या आओ ज़ॉम्बी। ओए ज़ॉम्बी मिल्क मिल गया। और यार मेरा दोनों बाल्टी ज़ॉम्बी मिल्क से भर गया है। मैं इस मिल्क को गिरा नहीं सकता, लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा है अगर मैं ज़ॉम्बी का मिल्क पी लेता हूँ तो क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि ज़ॉम्बी के अंदर से तो रॉटन फ्लैश निकलता है। मुझे आइडिया ठीक नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, हम एक और बाल्टी बनाते हैं और फिर चिकन का मिल्क पहले ट्राई करते हैं। हमारे तीन आयरन और रेडी है, हम एक और नया बकेट बना लेते हैं। चिकन नहीं दिखा मुझे, कुछ और दिख गया है। यहाँ क्रीपर, क्रीपर मुझे जिससे सबसे ज्यादा नफरत है। लेकिन मेरे पास एक खाली बकेट है, क्यों ना मैं क्रीपर में से मिल्क निकाल लूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फटाफट से निकाल के भागूंगा, मैं इसका मिल्क एक बार पीऊंगा नहीं। ये फटाफट से निकाल लिया। ओहो, क्रीपर का मिल्क मिल गया, रो फट गया। अरे चलो मिल्क तो मिला मुझे, ये देखो क्रीपर का मिल्क, कलर भी बिल्कुल क्रीपर वाला है। छी यार, क्रीपर का मिल्क पीना मुझे ट्राई करने का बड़ा मन है, लेकिन इसका एबिलिटी तो यही है कि ये फटता है। मतलब देखो, मैंने सबसे पहले किन का मिल्क इकट्ठा किया है। लोग पहले अच्छे अच्छे मॉब्स का इकट्ठा करते हैं, शीप का, चिकन का, मैंने ज़ॉम्बी और क्रीपर का मिल्क पहले इकट्ठा किया है। मेरा किस्मत देख रहे हो तुम लोग, मेरा पाला इन लोगों से पहले पड़ता है। एक काम करते हैं, पहले ज़ॉम्बी मिल्क से ट्राई करते हैं। क्रीपर का मिल्क तो मुझे सही नहीं लग रहा, क्रीपर खुद ही सही नहीं है। ज़ॉम्बी मिल्क पी के देखते हैं। ओके, कुछ तो हुआ है। ओहो, मेरा हंगर बार खराब हो गया है, मुझे हंगर लग गया है। आई थिंक ये 30 सेकंड के लिए लगा था, अब मेरे पास सिर्फ 15 सेकंड बाकी है, लेकिन मेरी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरे पास खाने के लिए सिर्फ स्वीट बेरीज है। रॉटन फ्लैश के साथ भी हमें ऐसा हंगर ही लगता है, तो ज़ॉम्बी में भी वो ही हुआ है। देखो हमारा चला गया और एक बकेट हमारा खाली हो गया है। अब हम कोई दूसरा मॉब ढूंढेंगे, उसमें से निकालेंगे। क्रीपर का मिल्क हम थोड़ा बाद में ट्राई करेंगे, पहले हम एक बेड बना लेते हैं। ओके, हम पानी में आ गए हैं, मेरे पास एक बकेट खाली है। हम पहले स्क्विब का मिल्क लेके देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। आ जाइए स्क्विब। ये मैंने स्क्विड का मिल्क ले लिया है। ओहो, ये तो पूरा काला है, इसके अंदर से इंक निकलता है ना। तो देखते हैं स्क्विड का मिल्क पीने से क्या होता है। ओके ओके,
तो यहाँ पर ये दो कुछ आया है, मुझे मिला है इंकिंग 5 मिनट के लिए और कॉन्ड्यूट पावर। कॉन्ड्यूट पावर तो मुझे जहां तक पता है आई थिंक पानी के लिए ही कुछ है, मैं पानी में जाके देखता हूँ। अच्छा, हम पानी में 5 मिनट तक आराम से रह सकते हैं, हमारा ऑक्सीजन बार को कुछ भी नहीं होगा, और हमें इंकिंग भी मिला है। ओके अच्छा, इंकिंग मतलब अगर हम किसी को मारेंगे तो उसमें से इंक निकलेगा, और वैसा साउंड भी आ रहा है। और यहाँ पर फिशेस है तो मैं इनका भी मिल्क निकाल के ट्राई कर लेता हूँ। और क्या ये फिशेस भी मिल्क देगी? ओए मिल गया फिश का मिल्क, ये तो ब्लू कलर का है। अब इसके मिल्क से मुझे क्या मिलने वाला है? ओके, फिर से मुझे कॉन्ड्रेट पावर मिला है, लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, तो यानी स्क्विब में ज्यादा अच्छा पावर है। तो अगर हमें एक मॉब का इफेक्ट मिलता है तो दूसरे मॉब का इफेक्ट चला जाता है। चलो कोई बात नहीं। और अभी हमें हमारा प्यारा पिक मिल गया है, इसके पावर को भी तो देखे क्या मिलता है इसमें। ओके, पिक का मिल्क पिंक कलर का है। ट्राई करते हैं। मुझे मिला सैचुरेशन, और वो भी सिर्फ 3 सेकंड के लिए। ये क्या था, मतलब इसके मिल्क में तो कोई दम ही नहीं था। छी, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। तुम लोग ही बताओ ये सैचुरेशन का क्या मतलब है। और अभी हम नेदर में, एंड सिटी में, हर जगह जाने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले अभी तुम लोग चेक करो कि वो सब्सक्राइब का बटन अभी भी रेड है क्या। अगर वो रेड है ना तो प्लीज उसे थोड़ा सुंदर बना दो। उसे पता है रेड कलर पसंद नहीं है, उसे ग्रे कलर पसंद है, उसे रेड से ग्रे बनाओ। सब्सक्राइब करो यार, क्यों बार बार बोलना पड़ता है। और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ताकि फटाक से नोटिफिकेशन आ जाए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फाइनली हमें लहराते लहराते यहाँ पर शिप्स मिल गए हैं, हमारे प्यारे प्यारे शिप। और इनका मिल्क निकालने के लिए हम पूरी तरीके से रेडी हैं। मैं आपका मिल्क दीजिए हमें, शिप का मिल्क। भाई इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। फटाफट से हम शिप का मिल्क ट्राई करते हैं। ओहो, यहाँ पर शिप का फेस बना आ गया है, और हमें क्या मिला, शिप, वो भी 5 मिनट के लिए। शिप क्या होता है? हमारे अंदर से व्हाइट व्हाइट गैस तो निकल ही रहा है। हमें क्या एबिलिटी मिली है, शीप करता क्या है? ये तो वूल देता है, और जब देखो घास खाता रहता है। घास खा सकता हूँ क्या मैं? ओ तेरी, मैं घास खा सकता हूँ। और यहाँ पर वूल्स अनलॉक हुए, इसका मतलब कि मुझे वूल मिला है। ओहो, मुझे वूल मिल गया है। अच्छा, मैं अब समझ गया हूँ, मतलब मैं घास खा सकता हूँ और मुझे वूल मिलेगा। एक बार और ट्राई करता हूँ। ये देखा तुम लोगों ने, मैं घास खा सकता हूँ और मुझे वूल मिलता जा रहा है। आए हाय, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, और मेरा हंगर बार फुल हो गया है। चलो बढ़िया है, मुझे शीप्स को मारना नहीं पड़ा बेड बनाने के लिए, तो और भी अच्छा चीज हुआ। और हमारा रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपना चेस्ट भी लगा दिया, क्योंकि अब हम ट्राई करने वाले क्रीपर का मिल्क। क्रीपर हमारा कितना बड़ा फ्रेंड है, ये तो तुम्हें पता ही है। उसका मिल्क पीने से पता नहीं क्या होगा। मैं अपना सारा सामान एक बार इसके अंदर डाल देता हूँ, और अब गाइस हम वो ट्राई करने जा रहे हैं जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। मुझे कुछ हो गया तो मुझे याद जरूर रखना। लेट्स गो। मुझे लगा ही था, इसलिए तो मुझे क्रीपर पर कभी भरोसा नहीं है। आयुष मोर वॉज ब्लोन बाय आयुष मोर। वाओ भाई, ये देखो क्या हालत हुआ है यहाँ पर। भाई क्रीपर को और कोई दूसरा काम आता कहाँ है फटने के अलावा। लेकिन रात में हमें कौन मिलता है? स्केलेटन। और मुझे सामने स्केलेटन दिख रहा है, तो हम इसका भी मिल्क निकाल के देखते है ना। आजा, इसका मिल्क ले लिया हम लोगों ने। देखो स्केलेटन मिल्क, अब इसे भी हम पीकर देखेंगे कि हमारे साथ क्या होता है। स्केलेटन का मिल्क पूरा व्हाइट है, एकदम काऊ की मिल्क जैसा लग रहा है। तो चलो फटाफट से मैं स्केलेटन का मिल्क ट्राई करके देख। ओहो, मुझे वो मिल गया है, और यहाँ पर बोन्ड लिखा हुआ आया है 2.5 मिनट्स के लिए। ओके, बोन्ड मतलब मेरे पास शायद अनलिमिटेड एरोज आ गए हैं। भाई ये सही हुआ है। आहा, ये देखो। और यहाँ घूमते घूमते हम विलेज तक पहुंच गए हैं, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है काफी सारे विलेजर्स। अब इनका मिल्क निकालने का टाइम आ गया है। विलेजर का मिल्क, पहले तो हम देखते हैं ये क्या है। ओके, ये वेपन स्मिथ, हम इसका मिल्क निकाल कर देखते कौन सा वेपन स्मिथ का मिल्क मिलता है। ओके, विलेज मिल्क मिला है। मुझे लगता है सारे विलेजर्स का एक कॉमन मिल्क है। मैं दूसरे वाले से भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ इसे पीने से पहले। कोई नॉर्मल विलेजर तो होगा ही इधर किधर। ओके, ये मुझे कुछ अलग टाइप का विलेजर मिला है। ये है कार्टोग्राफर, आई गेस। हाँ, ये कार्टोग्राफर है। तो इसका भी मिल्क देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि सारे विलेजर्स का अलग अलग होगा क्या या नहीं होगा। दोनों का सेम मिल्क है। ओके, तो चलो हम इस विलेजर मिल्क को ट्राई करते हैं। और यहाँ देखो मुझे आयरन गोलम भी मिल गया, तो मैं उसका मिल्क भी जरूर ट्राई करने वाला हूँ। अभी पहले इसका करते हैं। ओ, ये क्या आया भाई, हार्ट निकला। कि मुझे क्या एबिलिटी मिली, विलेज डैडी, मतलब मैं क्या इस विलेज का डैडी बन गया हूँ। आयरन गोलम मेरे से प्यार करने लग गया है। अभी यहाँ पर मैंने एक स्केलेटन देखा था, देखते हैं ये आयरन गोलम मेरी हेल्प करता है क्या उनसे। आयरन गोलम, हाँ वो देख, वो मुझे मार रहा है। अच्छा, ये क्या गया, ये मेरी हेल्प करने गया, अरे प्यार करने लग गया। अच्छा, विलेज डैडी ये होता है भाई। थैंक यू सो मच।
ये देखो ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तभी वो हार्ट निकल के आया था। अच्छा इस गोलम के अंदर से निकला, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब अपने बॉडीगार्ड के अंदर का मिल्क निकाल के भी हमें ट्राई करना चाहिए। ओके आयरन गोलम मिल्क। इसे पीने से पहले तो ये मुझसे दूर चला जाएगा क्योंकि एक पीने से एक का इफेक्ट चला जाता है। तो हम पीछे देखते हैं, यहाँ पर आयरन गोलम का फेस बना गया है और ये देखो मेरे से दूर चला गया। आयरन भाई पता नहीं मेरे अंदर आई क्या है एबिलिटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस आयरन लिखा गया। अगर मैं इसे थोड़े बहुत आयरन खिला के देखूं तब क्या होगा? होती अच्छा यहाँ पे देखो हर्ट्स बना गया और भी कुछ कुछ बना हुआ आ रहा है और मेरे हर्ट्स बढ़ रहे हैं। ओ ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, देखो मेरे हर्ट्स बढ़ गए इतने ज्यादा। वो हेल्थ बूस्ट आ गया, स्लोनेस 3 आ गया मेरे अंदर, स्लोनेस 3। अरे यार मैं तो भारी हो गया हूँ। अरे बाप रे बाप, ये देखो ये विलेजर मेरे से तेज चल सकता है। ओके रास्ते में मुझे ये मेरा प्यारा पहला हॉर्स मिल गया है, अब इसके मिल्क का तो ट्राई करना बनता ही है। हमने हॉर्स की सवारी करके पूरा माइनक्राफ्ट क्लियर किया था तो भाई हॉर्स से तो मेरा बहुत ज्यादा लगाव है। ओके हॉर्स मिल्क, ये इसके कलर का ये ऑलमोस्ट, अब पीके देखते हैं। वाओ स्पीड टू और जंप बूस्ट टू 5 मिनट के लिए, भाई बहुत सही। ये देखो कितना जबरदस्त है ये, मुझे तो बड़ा पसंद आया। ये वाला है सबसे बढ़िया है, मुझे और नया नया मॉब ढूंढना होगा, पता नहीं उनमें क्या होने वाला है। और देखो फास्ट एंड फास्ट भागते भागते मुझे यहाँ लामा भी दिख गया है। अब लामा का मिल्क तो भाई लेना बनता ही है, चलो कोई नहीं। क्या लामा का फेस देखो वहाँ पे, ना कितना बड़ा बड़ा है लामा का। ये मिले मुझे स्पिटर, थूकूंगा मैं, कैसे थूक सकता हूँ भाई, कैसे थूकते हैं भाई, कैसे थूकता है तू मुझे बता, मैं थूक नहीं पा रहा हूँ। राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक कुछ नहीं हो रहा। ओके मैं इसे मारता हूँ तो यही मुझ पर थूकने लग गया। ओके ओके मैं पिक को मार के देखता हूँ, ऐसे भी इसके मिल्क से मुझे कुछ नहीं मिला था। ओ मैं जब मार रहा हूँ तो मेरे को थूकने की सी आवाज आ रही है, देख रहे हो? ये देखो आजा पिकी तेरा मिल्क दे मेरे को, फिर से देखते हैं। अब समझ में आ गया मुझे सैचुरेशन मतलब, देखा मेरा फूड हेल्थ आधा था वो पूरा हो गया, तब तो बढ़िया है यार पिगी तेरा मिल्क तो बहुत सही लगा। 5 सेकंड के लिए ही सही लेकिन काम का है, हंगर बार को पूरा भर देता है। और यहाँ पर तो हो गई है भाई पूरी रात। ओ वहाँ पे मुझे स्पाइडर की आंखें दिख रही है, स्पाइडर और स्पाइडरमैन आओ मेरे पास आओ। ये देखो स्पाइडरमैन भागता भागता आ रहा है। ज़ॉम्बी का मिल्क मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्पाइडर का चाहिए। और ये मैंने स्पाइडर का मिल्क निकाल लिया है। ओ माय गॉड ये रेड कलर का मिल्क है, कितना अजीब सा मिल्क है ये। और मैं यहाँ बकड़ बम्बे को खेल रहा हूँ, ये लोग मुझे धप्पा कर देंगे। अरे स्पाइडर तो जल गया, वाओ मेरा देखा मेरा एम कितना अच्छा है। यार तुम लोग फ्री फायर और वैलोरेंट खेलते हो क्या, मुझे बताना कमेंट में, मैं बहुत खेलता हूँ इन गेम्स को। शूटर गेम्स में भी मुझे बड़ा मजा आता है तो मैं उसका भी वीडियो बना सकता हूँ, मेरे पास काफी रिकॉर्डिंग पड़ी है। चलो अब मैं स्पाइडर का मिल्क ट्राई करके देखता हूँ। ओ ये क्या हुआ यार, ग्राफिक्स चेंज हो गया क्या? ओहो मुझे स्पाइडर मिला, नाइट विजन मिला है। ये नाइट विजन का लुक है बॉय, कितना ब्यूटीफुल है यार। ये प्यारा सा वॉलपेपर बन सकता है, कितना सुंदर लग रहा है ये। हाय हाय देखो देखो, लेकिन मुझे स्पाइडर भी मिला है, उससे क्या होगा? तुम लोगों ने देखा, अब समझ में आया स्पाइडर का मतलब है। ये देखो ये जैसे दो ब्लॉक है, माइनक्राफ्ट में हम एक ब्लॉक ही चढ़ सकते हैं लेकिन मैं ये दो ब्लॉक भी चढ़ पा रहा हूँ जैसे स्पाइडर चढ़ जाता है, तो इसका मतलब मैं ये बड़े बड़े ब्लॉक्स भी चढ़ सकता हूँ। ये देखो ये कितने बड़े बड़े ब्लॉक्स है और इन सबको मैं चढ़ गया। वो भाई ये तो बहुत अच्छा है स्पाइडर का, और ये इतना ऊपर तक चढ़ सकता है, देख रहे हो तुम लोग? अब हम लोग दूसरा वाला ट्राई करते हैं। और ये देखो गाइस मुझे यहाँ पर इतने सारे एंडरमैन दिख गए हैं, मैं इनकी आंखों में नहीं देखना चाहता, ऐसे दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। अभी मैं इनका मिल्क लेने वाला हूँ और ये मिल्क ले लिया। एंडरमैन मिल्क पूरा ब्लैक कलर का है ये। ओके अब एंडरमैन का मिल्क हम पी के देखते हैं। एंडरमैन का फेस आ गया है और मुझे एंडरमैन मिला है। एंडरमैन पहले तो क्या करता है, ब्लॉक चुराता है। हम ब्लॉक कैसे चुराएं, हम तो तोड़कर भी ले सकते हैं ना ब्लॉक को। जब भी हम किसे मारते हैं तब हमें मैंने इसे मारा था टेलीपोर्ट हो गया, मतलब इसमें हम खुद टेलीपोर्ट नहीं हो सकते, किसी को मारेंगे तो वो टेलीपोर्ट हो जाएगा। ये देखा तेरे का क्या टेलीपोर्ट हो रहा है। लगता है नॉर्मल वर्ल्ड का तो हम लोगों ने काफी देख लिया है, नेदर का भी देख लेते हैं। ओके गाइस हम नेदर में आ गए हैं और ये ऑक्टोपस मेरे सामने है, मैं इसका मिल्क निकालना चाहता हूँ। उड़ता हुआ ऑक्टोपस, मुझे पता है उसका नाम दूसरा है, मैं जानबूझ के उसे उड़ता हुआ ऑक्टोपस बोलता हूँ। अरे तेरा मिल्क, बाप रे बाप, जैसे तैसे करके मुझे घास का मिल्क मिल गया है, मैं इसे पीने का तो ट्राई करना चाहता हूँ। क्या क्या आ गया ये, फास्टेड
फायर रेजिस्टेंस और स्लो फॉलिंग, ये सबसे बेस्ट चीजें जो नजर में किसी को मिलना चाहिए। फायर रेजिस्टेंस का ट्राई करते हैं। ये देखो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा भाई, सही है फायर रेजिस्टेंस। और अब मुझे यहाँ पिगलिंस दिख रहे हैं, ये पिगलिंस का भी मैं मिल्क ले लेता हूँ। ये ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन मिल्क, ओके ज़ॉम्बी डे मुझे दिख नहीं रहा ढंग से। मेरे पास हेल्थ बार और हंगर बार बहुत कम है, इसलिए मैं ज़ॉम्बी फाइट वाला नहीं पीना चाहता। एक बार हम इसे रख के रखते हैं बाद के लिए। मुझे यहाँ पर नॉर्मल पिगलिन भी दिख गए हैं, इनका मिल्क भी मैं ले लेता हूँ। पिगलिन मिल्क, ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन मिल्क, पता नहीं क्या मिलेगा इनसे। पिगलिन मिल्क तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओ मुझे सोना मिला है भाई, गोल्डन स्वॉर्ड और गोल्ड। यहाँ पर मुझे बहुत सारे ब्लेज मिल गए हैं, लेकिन मेरे पास फायर रेजिस्टेंस है इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। और ब्लेज का भी मिल्क मिल गया है, या ब्लेज का मिल्क पीकर देखते हैं। एक तो मुझे फायर रेजिस्टेंस मिलेगा, ये तो ऑब्वियस सा बात है, और देखते क्या मिलता है। फायर रेजिस्टेंस और ब्लेस्ड। अभी ब्लेस्ड क्या होता है, मतलब मैं किसे मारूंगा तो आग निकलेगा क्या? और इसे ही मार कर देखते हैं। नहीं यार आग तो नहीं निकला, इसने मुझे पेल दी। लगता है वीडियो काफी बड़ी बन रही है। मैं एंडर ड्रैगन और विदर का भी देखना चाहता था, लेकिन मुझे पहले तुम लोगों का रिस्पांस देखना है। अगर तुम लोग इस वीडियो को अच्छे से लाइक करते हो और शेयर करते हो तो मैं एंडर ड्रैगन और विदर का भी दिखाऊंगा। मैंने उसे रिकॉर्ड करके रखा है, एडिट भी रेडी है, लेकिन तुम लोग के रिस्पांस पे डिपेंडेंट है कि वो वीडियो आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर चाहते हो तो जल्दी से लाइक करो और वीडियो को शेयर कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, तभी तो वीडियो आएगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।